Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. सुबह से पीपल कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज मैं अगेन राघव भैया के पास आया हुआ हूँ और हम लोगों ने पहले क्रेटा की मॉडिफिकेशन दिखाई, दूसरी गाड़ी भी दिखाई, तो आज कौन सी गाड़ी होने वाली मोहित भैया? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो। सो गाइस, आज जो होगा स्कॉर्पियो में हम इंटीरियर और एंड्रॉइड इंस्टॉल करने वाले और साथ में थोड़ी बहुत और मॉडिफिकेशन जैसे कि फ्रंट ग्रिल्स है और वो सारी मैं आपको दिखा दूंगा। जो फ्रंट के फॉग लैंप्स हैं उन सब मॉडिफिकेशन करी है और कहां से करी है तो भैया का नंबर जो है स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, आप खुद भी करवा सकते हैं आपकी कोई भी गाड़ी हो बेशक। तो बिना टाइम वेस्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले सब्सक्राइब बटन पे दबाना ना भूलें और जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन पे दबा देंगे उसके बाद आपके पास एक बेल आइकन आएगा और उसे भी दबा दें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए कि मैंने कब नई वीडियोस डाली हैं। सो गाइस, आज जो हमारे पास गाड़ी आपको सामने ऑलरेडी दिख रही होगी कि ये स्कॉर्पियो है। तो कई दिन बाद क्रेटा के बाद आज हम फाइनली जो है स्कॉर्पियो की वीडियो लेके आए हैं। तो राघव भी बताएंगे भैया क्या क्या काम होने वाला है इसमें? इंटीरियर का काम और सिस्टम। इंटीरियर और जो सिस्टम है गाड़ी में होने वाला है, तो अभी मैं आपको एक बार अंदर से दिखा देता हूँ कि काम कितना पहुँचा है। वैसे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सिस्टम का काम है वो तो पीछे होने लग रहा है, यहाँ पे भैया कर रहे हैं भैया। सो गाइज, ये जो है ये स्पीकर्स लगने वाले हैं, बेसिकली कंपोनेंट सिस्टम लगने वाला है पूरा, और इंटीरियर है वो भी बदला जाएगा। गाड़ी का तो जो काम है वो धीरे धीरे चल रहा है। अभी जो स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग में सिलाई देख रहे हो आप वहाँ पे हो रही है। सो गाइज, आप लोगों को लग रहा होगा कि सीट कवर्स तो ऑलरेडी लगे हुए हैं इसमें गाड़ी में, तो क्या काम हो रहा है नया कि सीट कवर्स कैसे लग रहे हैं? तो मैं बता दूं कि चूंकि ये इंटीरियर पूरा चेंज हो रहा है तो सीट कवर्स भी चेंज करे जाएंगे। एंड जैसा इंटीरियर होता है, अगर आपको दिख रहा होगा ऊपर का जो सारा पोर्शन है वो भी हटा रखा है, रूफ भी हटा रखी है, तो पूरा जो काम होगा मैं आपको सारा दिखा दूंगा कैसे होने वाला है। एनीवेज, अभी जो है पीछे का काम चल रहा है, अगर यहाँ से आपको दिख रहा होगा तो कंपोनेंट्स लग रहे हैं, बेस ट्यूब ऑलरेडी यहाँ पर रखी हुई है, आगे स्टीयरिंग है वो सिला हुआ जा रहा है और जितना भी काम होता है सारा मैं आपको दिखाता हूँ धीरे धीरे। सो गाइस, गाड़ी का जो इंटीरियर है पहले कुछ ऐसा रहने वाला है एंड बनने के बाद जो होगा वो उसके लुक्स मैं आपको दिखा दूंगा कैसा लगेगा। तो अभी आपको अंदाजा लग रहा होगा एक्चुअल में कैसा है। हाल फिलहाल जो है स्टीयरिंग की जो है सिलाई हो रही है एंड उसके बाद जो है ऊपर इन पर सब कुछ रैप होना स्टार्ट हो जाएगा और साइड के जो पैनल्स हैं वो भी अभी बच रहे हैं बिकॉज कंपोनेंट की इंस्टॉलेशन होने वाली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टीयरिंग की जो, भैया कितना टाइम लग जाएगा इसमें? 10 मिनट। सो गाइस, 10 मिनट में पूरा काम हो जाएगा, उसके बाद दिखाऊंगा कि स्टीयरिंग रैप होने के बाद कैसा लगता है एक्चुअल में। तो गाइस, हमसे सबसे पहला जो काम मैंने बताया था कि 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके स्टीयरिंग पे जो रैप है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि ऐसा ही कलर का पूरा जो इंटीरियर आपको देखने को मिलेगा गाड़ी में एंड इंटीरियर जो है यहाँ पे भी धीरे धीरे स्टार्ट होने वाला है। सीट कवर्स भी सेम ऐसे ही करवाए गए हैं, तो गाड़ी में ज़्यादा काम नहीं है, जितना भी काम है वो जल्दी जल्दी हो रहा है सारा का सारा। तो यहाँ पे जो है पूरा रैप चढ़ चुका है, अगर मैं दिखाऊँ आपको, जो स्टीयरिंग रैप है काफ़ी अच्छे से हुआ है, प्रोफेशनल लग रहा है, ऐसा नहीं है कि ढीला वीला काम है। तो ये भी कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट काम तो हो चुका है गाइज। तो गाइज, यहाँ पे जो कंपोनेंट है उनकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। भाई कौन सी कंपनी है? डीडी। सो गाइज, डीडी के ये कंपोनेंट्स हैं, आउटपुट में आपको सुनाऊंगा बाद में कि कैसा कुछ है। ये अब कंपोनेंट लगने लग रहे हैं और भाई ने सजेस्ट करा था कि आप JBL के लगवा लो, बट उन्हें नहीं पसंद आए, वो डीडी के ही चाहते थे। तो अब डीडी के जो है इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है, वहाँ पे लग चुका है, आप देख सकते हो वो ट्विटर लग चुका है वहाँ पे, यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। और अभी जो सीट कवर की बात करूँ तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई जो है सीट कवर पिछले उखाड़ने लग रहे हैं और इसके बाद जो है नया सीट कवर इंस्टॉल होगा यहाँ पे। तो गाइज, इधर जो है ट्विटर लग चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्विटर की इंस्टॉलेशन हो चुकी है, कंपोनेंट के साथ में हो चुके हैं यहाँ पे। और अब अगला जो काम है वो सीट कवर्स का हो रहा है, आप देख सकते हैं सीट कवर्स जो है उतर रहे हैं और याकूब भाई यहाँ पे सीट कवर उतार रहे हैं अपने। तो गाइज, ये हैं नए सीट कवर्स जो लगने हैं अभी और कलर में है ये थोड़े डार्कर शेड में और जो पिछले थे वो कम थे। और ये जो है ये रिपोज लेदर रहने वाला है, मैं आपको बता दूं रिपोज लेदर की एडवांटेजेस बाद में बताऊंगा आपको क्या कुछ है, बट ऐसे कुछ हैं जो सीट कवर्स लगने हैं, लगने के बाद आपको दिखाता हूँ एक्चुअल में कैसे लगने वाले हैं ये।
सो गाइस पीछे की दोनों सीटें भी उतार दी गई, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सीटें लगी थी उतार दी गई, बिकॉज अब जो सीट कवर हैं वो चढ़ने वाले हैं। एंड आपको एक चीज दिखा दूं कि ये जो है भाई ने पहले से लगवा रखा है, इसको चेंज नहीं कराया है। बेस ट्यूब जो है बेसिकली यहाँ पे पायनियर की रहने वाली है ये, एंड इसको चेंज नहीं करवाया एज इट इज है, इसके साथ ही उन्होंने कंपोनेंट लगवाए हैं। तो इसका आउटपुट मैं बाद में सुनाता हूँ, कैसे पायनियर का है तो ऑब्वियसली अच्छा ही पाएगा, बिकॉज साउंड बैरियर का जो एम्प है ये लगेगा यहाँ पे, और कंपोनेंट जो है डीडी के लगवाए हैं भाई ने। तो काम जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है, थोड़ा सा रह रहा है। सो गाइस गाड़ी के जो अलॉय व्हील्स हैं आप देख रहे हो कि बन के आ रहे हैं यहाँ पे, ये अलॉय व्हील एक बोरा और अलॉय व्हील्स भी आ चुके हैं, बेहद ही जबरदस्त लग रहे हैं अलॉय व्हील्स। अगर आपको दिख रहा होगा तो कितने अमेजिंग है अलॉय व्हील्स, तो यहाँ पे ये अलॉय व्हील्स लगने वाले हैं, क्योंकि काम जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे जो पैनल्स हैं वो लग रहे हैं, पैनल्स के ऊपर जो है रैप कर दिया गया है यहाँ पे। और सीट कवर्स की अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको एक बार सीट कवर्स भी दिखा देता हूँ पूरे। तो पीछे से आप देख सकते हैं कि जो पीछे में सीट कवर्स हैं वो भी लग चुके हैं, यहाँ पे जो सीट कवर्स हैं ये भी लग चुके हैं, एंड इधर का सीट कवर भी लग चुका है। सो गाइस फ्रंट की बात करूं, जैसे कि मैंने फ्रंट में बताया था आपको कि रिपोज लेदर का ही सारा काम होने वाला है, तो यहाँ पे भी रिपोज लेदर लगाया गया और रैप करा गया है, तो काफी ज्यादा सही लग रहा है ये। और कई लोग जो होते हैं पूरा भी रैप करवा लेते हैं, बट उसमें इतने अच्छे लुक्स नहीं आते जितने यहाँ पे सिंगल में आ रहे हैं। साइड की बात करूं तो मैं ट्विटर्स की इंस्टॉलेशन हो चुकी है यहाँ पे, और रैपिंग अगर मैंने जैसे कि आपको उस तरफ भी दिखाई होगी तो उस तरफ भी रैप सेम लगाए गए थे, यहाँ पे भी रैपिंग करी गई है। ट्विटर्स यहाँ पे लगा दिए गए, डीडी के कंपोनेंट्स लगा दिए गए, यहाँ पे कंपोनेंट लगाया हुआ है और चारों दरवाजे में कंपोनेंट लगाए हैं। गाइस एक एडिशन मैं आपको बताऊँ कि एक एडिशन क्या हुई है कि पहले जो था यहाँ पे एंड्रॉइड नहीं लगाया जा रहा था, बट अब यहाँ पे एंड्रॉइड लगा दिया गया है, तो भाई ने एंड्रॉइड भी लगवा लिया, काफी ज्यादा बढ़िया है। उसके बाद अगर मैं इधर दिखाऊं तो इधर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है इधर भी लेदर का काम करा गया। सो गाइस पीछे की बात करो तो आप देख रहे होंगे कि जो पैनल्स हैं वो लग रहे हैं, ऊपर वाला पैनल वो रहा वहाँ पे लगने लग रहा है, पीछे वाला पैनल है वो भी लगने लग रहा है, एंड जो दूसरे पैनल्स हैं वो यहाँ पे रखे हैं सारे। सीट कवर्स की बात करो तो दूसरे सीट कवर्स ये रहे, एंड सेम अगेन वही रिपोज लेदर का सारा काम है राखा। वैसे मैं पूछ के बताऊंगा एक्चुअल में रिपोज लेदर के क्या क्या जो है एडवांटेजेस होते हैं। पहले आपने गाड़ी देखी होगी, पहले थोड़ा सा इसमें लाइटर शेड में था, एंड डार्कर शेड में है जो सारा यहाँ पे काम हुआ है, तो देख सकते हैं। मैं आपको आउटपुट सुनाता हूँ अंदर जाके एक बार, उस तरह का पहले पैनल दिखा दूँ। सो गाइस पीछे की बात करो तो पीछे अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सेम वही रिपोज लेदर का जो रैप है वो करा गया है, तो काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। एंड उसके बाद मैं राखा भी ऐसे पूछ के बताऊंगा एक्चुअल में रिपोज लेदर के क्या क्या एडवांटेज है। अलॉय व्हील्स गाइस अगर आपने देखे होंगे पहले भी, तो अलॉय व्हील्स यहाँ पे जो ड्रम ब्रेक्स हैं वो पेंट कर दिए गए हैं, एंड काफी ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं ड्रम ब्रेक्स, बिकॉज पहले जो थे उसमें थोड़ा रस्टिंग जैसा इशू आ रहा था वो हट गया, एंड जो टायर्स थे वो भी बदले गए, बेसिकली ब्रिजस्टोन के टायर्स हैं लगाए गए। यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स की बात करो तो काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है जो ड्रम। सो गाइस यहाँ से रूफ की बात करें तो आप रूफ देख सकते हैं कि ब्लैक कितनी ज्यादा अमेजिंग लग रही है, तो जो पूरी रूफ है वो भी इंटीरियर में यहाँ पे करी गई है, एंड काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। इस रूफ का सबसे बड़ा एडवांटेज बताऊं कि कई बार जो बच्चे होते हैं वो हाथ उत लगा देते हैं इसके, तो ऐसी रूफ रहेगी तो यहाँ से ऊपर से गंदा नहीं होगा, तो भी काफी ज्यादा बढ़िया। उसके बाद अगर मैं पैनल्स दिखाऊं यहाँ पे आप पिलर्स देख सकते हैं कि पिलर्स पे भी जो रैप है वो करा गया है यहाँ से, थोड़ा अगर जूम इन करूंगा तो आपको पूरा दिख जाएगा कि जो पिलर्स हैं वो कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। इसी तरह से जो सारे पिलर्स हैं उन पे भी रैप करा गया, एंड फ्रंट का जो पिलर है वो भी बच रहा है, वो हो जाएगा थोड़ी देर में। और उसके बाद पूरी पीछे अगर गाड़ी में देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऊपर भी जो है पिलर यहाँ पे ये भी करा गया है, एंड पीछे की अगर मैं सीट कवर्स की बात करूँ तो ओवरऑल जो है गाड़ी में मेन हुआ है सिस्टम का काम, कंपोनेंट्स लगे हैं, सीट कवर्स हुए हैं रिपोज लेदर में, एंड जो नीचे के अभी सीट ये सॉरी मैट्स हैं फ्लोर मैट्स वो लगने वाली हैं। उसके बाद उधर की बात करूँ तो एंड्रॉयड इसमें जो है इन्फोटेनमेंट डिस्प्ले लगाई गई है, काफी ज्यादा अमेजिंग लग रही है, तो उसका भी आउटपुट सुना देता हूँ आपको एक बार कैसा है। सो गाइस आप गाड़ी की ग्रिल भी देख सकते हैं फ्रंट में कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है, बेसिकली मॉडिफाइड ग्रिल रहने वाली है यहाँ पे अपनी। एंड अगर फ्रंट से देखेंगे तो जो ऊपर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं करे गए हैं गाड़ी में। यहाँ पे जो देखने वाली चीज़ें मेन वो है कि नीचे जो है यहाँ पे फॉग लैम्प हाउसिंग है वो LED DRLs की रखी गई है, एंड काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है ये, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चमकती है। तो गाड़ी जो है अभी थोड़ी बहुत गंदी है आई नो, बिकॉज यहाँ पे पूरे दिन से खड़ी थी, एंड जो मैट मूट है वो भी ऊपर रखी हुई है, बट अगर फ्रंट से आप गाड़ी का लुक देखेंगे तो कितना ज़्यादा मस्क्यूलर लग रहा है आपको खुद एक बार देखने में लगेगा कि हाँ जो स्कॉर्पियो है सही में भाइयों ने बहुत बढ़िया बना रखी है। अब जो है रात के ऑलमोस्ट 12 बज रहे हैं, एंड आउटपुट थोड़ी देर में सुनाता हूँ आपको कैसा कुछ रहने वाला है गाड़ी का। सो गाइस ऐसा कुछ रहने वाला है, इनका जो रिस्पांस अगर आप फ्रंट से देख रहे हो तो आपको दिख जाएगा कि कितने ज़्यादा ब्राइट हैं जो ये, और मैं एक बार बंद करवा के दिखा देता हूँ आपको, देख सकते हो कि ऐसा है बेसिकली ये बंद में, और जलने के बाद मैंने आपको दिखा दिया था कि कैसे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हैं। ऊपर भाइयों ने एज इट इज़ अनटच छोड़ रखे, हालांकि अगर आप चाहते हो चेंज तो आप इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स इंस्टॉल करवा सकते हो, वो भी हो जाएंगे, बट यहाँ पे भाइयों ने कोई चेंज नहीं करा है। एंड अभी इनपुट दिखाता हूँ आपको कैसा आया है, तो अभी जो है ये कॉपीराइट म्यूजिक चल रहा है इसलिए अभी नहीं सुना सकता, NCS का प्ले करके दिखाऊंगा आपको एक्चुअल में कैसा है। सो गाइस गाड़ी का जो काम है फाइनली कंप्लीट हो चुका है पूरा, आप देख सकते हैं कि सीट कवर्स लग चुके हैं, एंड ये बैठे गाड़ी के ओनर भाई कहाँ से आए हो? गुड़गांव से। तो गाड़ी का काम ठीक लगा? हाँ बहुत बढ़िया, जबरदस्त अच्छा हुआ है। एंड दूसरे भाई हैं, भाई कैसा लगा गाड़ी का काम? बिल्कुल भाई ओके, कृपा अच्छा काम हुआ है ना। सो गाइज ओनर थे, ओनर का ही रिव्यू सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनको काम कैसा लगा, तो भाई ने बताया ठीक है। भाई एक बार इसमें आउटपुट प्ले करके दिखा दो कैसा बज रहा है गाना। गाना
तो गाइस आउटपुट सुन सकते हैं आप। हाँ कदों मेरी आओगी बरात जट्टा वे, मेरे दिल विच रहनी यही बात जट्टा वे, जैसे कि आपने देखा कि गाड़ी का जो काम है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, उसमें भी हमने रिपोज लेदर की सीटें लगाई है ना। सो गाइस रिपोज लेदर की बेसिकली सीट इंस्टॉल हुई है और आपने इंटीरियर देखा होगा, डैशबोर्ड और साइड के जो पिलर्स हैं वो सारे कवर हुए हैं। तो गाइस मैं रिपोज लेदर का आपको एक बेनिफिट बताना चाहूंगा कि इस लेदर में भैया पसीने वसीने की स्मेल नहीं आती बेसिकली, है ना, और कटिंग वटिंग जैसे भी कोई इश्यू नहीं आते हैं। एंड गाइस साथ में आपको एक चीज बताऊंगा कि ये तो हमने आज स्कॉर्पियो में काम करा है, इनकेस अगर आपके पास कोई और भी गाड़ी हो, बेशक किया सेल्टोस या कोई भी गाड़ी हो, तो आप आगे करवा सकते हैं। अच्छा मोहित भैया आइडिया बता दो थोड़ा बहुत कि कितने में जो है इंस्टॉलेशन लगभग, सॉरी जो अपने मॉडिफिकेशन हुई कितने में हुई है लगभग? अगर इंटीरियर करवाते हो तो भैया कोई भी 5 सीटर कार हो तो 9,000 से स्टार्ट हो जाएगा उसका इंटीरियर, ठीक है, और अगर 7 सीटर कार है तो उसका इंटीरियर 14,000 से स्टार्ट हो जाएगा। 14,000 से स्टार्ट हो जाएगा, उसमें बेसिकली सीट कवर्स और आपका ये सारे पिलर दरवाजे छत सब कुछ आ जाएगा। और छत में अगर कोई स्टार की लाइटें इंस्टॉल करवाना चाहता हो तो उसके एक्स्ट्रा है। उसके एक्स्ट्रा चार्जेस है ना, कई लोगों को डाउट होता है। अच्छा मोहित भाई, इसमें जो बीच में हम लोगों ने आज इंफोटेनमेंट डिस्प्ले लगाई है और स्पीकर्स लगवाए हैं, वो क्या कुछ के मतलब प्राइसिंग के लगभग? एंड्रॉइड भैया बेसिकली जो एंड्रॉइड की स्टार्टिंग है वो 5,000 से है, ठीक है, ठीक है, उसके बाद जितना अच्छा आपको चाहिए उतना इंक्रीज होता रहेगा, उसके बाद कंपोनेंट स्पीकर की स्टार्टिंग जो है वो 3,000 है, ठीक है। तो बेसिकली इन भाइयों ने डीडी के इंस्टॉल करवाए हैं, हाँ। और कोई अगर और करवाना चाहता हो तो वो भी अपने पास अवेलेबल है, जेबीएल के किसी और, जेबीएल इन्फिनिटी सोनी इन्फिनिटी सारे कुछ भी जोन सा बोलोगे वो। तो गाइस जैसे कि आपने देखा कि मैंने सारा आपको दिखा दिया है कि क्या क्या इंस्टॉल हुआ है बेसिकली, तो पूरा आपने देखा होगा। अगर आपके पास कोई भी गाड़ी है तो नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, राघव भैया का शॉप है करोल बाग में, तो आप भी आगे इंस्टॉल करवा सकते हैं, आपकी गाड़ी में मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं। और सिर्फ स्कॉर्पियो ही नहीं, सारी गाड़ियों की मॉडिफिकेशन यहाँ पे हो जाती है। और भैया इसमें मैंने देखा था कि भाई ने जो है फ्रंट में हेडलैम्प्स थे वो येलो ही रखवाए, कोई अगर चेंज करवा के व्हाइट करवाना चाहता हूँ? व्हाइट एचआईडी अवेलेबल है, बाइक की प्रेफरेंस थी कि मैं नेक्स्ट चक्कर में जब आऊंगा उसके बाद व्हाइट करवाऊंगा, अभी उनको करवाने नहीं थी। तो गाइज आपके पास अगर कोई भी गाड़ी हो आप उसे बेस से टॉप में कन्वर्ट करवाना चाहते हो करवा सकते हो। एनीवेज गाइज इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं पसंद आई, तो शेयर सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलें। बाय बाय एंड थैंक्स।